ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास पहला क्वाइन है। ये हमारे सिख गुरुज के टाइम का है, जो सिक्का गुरुद्वारों में यूज़ होता था। आप देख सकते हैं इसको, मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ। इन सिक्के के पीछे हमारे गुरुज की फ़ोटोज़ तक चिनवाई गई हैं। आगे हम चलते हैं, हमारे पास दूसरी साइड है, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के क्वाइंस हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो सी हमारे पास पोजीशन है, ये पूरी कर्व्ड है, मतलब ये हाथ से बनाए हुए कॉइन्स हैं। ये बहुत रेयर कॉइन्स थे महाराजा रंजीत सिंह के, जो वो यूज़ करते थे एज अ वेपन्स या आर्टिलरी को परचेज करने के लिए। आगे हम चलते हैं, आगे आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉइन है जो किंग एडवर्ड के टाइम का है, किंग एडवर्ड 7। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ इसकी साइड को, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 1/4 आना एंड 1910 ईयर का ये कॉइन है। और इस कॉइन का डिज़ाइन को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चल के आप देख सकते हैं ये एक सिक्कों का पैटर्न है, एक सीक्वेंस है। ये किंग जॉर्जिया 6 उसके रूलर के टाइम के कॉइन्स हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास ये वाला जॉर्जिया का सिक्का है, जो कि पाए रुपए, जिसे आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। 1946 के टाइम का ये कॉइन है। आप नेक्स्ट उसी तरीके से हमारे पास आप देखिए, ये एक आने का कॉइन है एंड उसी तरीके से ये कॉइन हमारे पास 2 आने का है। उसी तरीके से हमारे पास ये आगे का सारा सीक्वेंस बना हुआ है। ये कॉइन हमारा 4 आने का है, ये हाफ रुपए का है एंड ये कॉइन 1 रुपए का है। मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 1 रुपी इंडिया 1944। ये सभी कॉइन्स बहुत ही एंटीक कॉइन्स हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, ये कॉइन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के कॉइन्स हैं। ये बहुत ही कॉस्टली कॉइन्स हैं, आज के टाइम पर इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर किस तरह की पिक्स चिनवाई गई हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये कॉइन अगर आप जो देख रहे हैं 1 पाए, और इस पर कुछ अगर फोल्ड करके देखते हैं तो उर्दू में भी लिखा गया है। ये कॉइन जब इंडिया एंड पाकिस्तान इकट्ठे होते थे, कोई ऐसी डिफरेंस नहीं हुआ था अभी तक, ये कॉइन तब का है एंड ये कॉइन भी अपने आप में एक एंटीक कॉइन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास क्वीन विक्टोरिया के टाइम का कॉइन है एक। ये कॉइन की फिनिशिंग भी क्वीन विक्टोरिया, एक हैंडमेड कॉइन है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम के फर्स्ट कॉइन उनका 1989, और ये 5 रुपए का कॉइन है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये कॉइन हमारे महात्मा गांधी जी के टाइम का है। आप इसके ऊपर ईयर भी पढ़ सकते हैं, ईयर पढ़ने के बाद आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये 1 रुपी का कॉइन है जो महात्मा गांधी के टाइम पर था। अब आपके पास एक सीक्वेंस है जो ओल्ड कॉइन्स हैं हमारे पास, 1 पैसे का, 2 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का, 10 पैसे का एक सिल्वर में, एक गोल्डन में और 1 रुपए का, एक हाफ रुपए का। अब देख सकते हैं इस हाफ रुपए के कॉइन को, इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस है हमारे पास कॉइन्स का, जो बहुत ही एंटीक माने जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं, ये आप देख सकते हैं ये 50 पैसों के कॉइन्स का सीक्वेंस है हमारे पास। उनके अलग अलग डिज़ाइंस हैं, ये सभी सिक्के 50 पैसे के हैं हमारे पास। आप जैसे कि पहला सिक्का देख सकते हैं 50 पैसा, उसका नेक्स्ट सिक्के का डिज़ाइन देखिए वो भी 50 पैसे का है। उसके बाद आप देखिए
नेक्स्ट सिक्के का जिसपे वो फ्लैग को रेज कर रहे हैं उसका, एंड लास्ट हमारे पास एक और है, ये इसका डिज़ाइन। आप इस तरह से इन सभी 50 सिक्कों का डिज़ाइन भी देख सकते हैं।